हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। तो एज यू नो हमारा वर्केशन चल रहा है गोवा में और आज है मंडे मंडे मॉर्निंग। तो आज हमारा कुछ ऑफिस वर्क है और ये देखिए कितनी खूबसूरत बारिश भी शुरू हो गई। तो आज हम ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे बिकॉज़ सिर्फ मॉर्निंग लंच और इवनिंग यही टाइम है हमारे पास घूमने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। क्योंकि कल हम कुछ ग्रोसरीज ले आए थे एंड अभी हम जा रहे हैं क्या करने, मेरी बेटी को मैंगो चाहिए, मैंगो लेने जा रहे हैं। चलते रहो मैंगो की तलाश में गोवा की गलियों में। मौसम और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है तो अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे लंच के लिए बाहर और कुछ चर्चेज एक्सप्लोर करेंगे आसपास के। What we spotted some beautiful peacocks. और इस फ्रेम में आपको अगर नजर आ रहा है पीछे एक वाइट कलर का भी है। ये कोलवा बीच के पास की पार्किंग है। बहुत सुंदर दिख रहा है, माय गॉड। यहाँ पर अभी बाहर जाके वीडियो बनाएंगे। ये है एक लोटस पॉन्ड। तो अगर आपको नेचर पसंद है, इफ यू आर अ नेचर लवर, तो साउथ गोवा आपको बेशक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। सो रेस्ट ऑफ द डे बस हमने ऑफिस वर्क किया और अब हम आए हैं डिनर करने के लिए ZBF रेस्टोरेंट में, विच इज सिगीज बाय फेम। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह सुबह हम निकल गए हैं टहलने के लिए। लिटिल चिकन्स, कैन आई लुक इट? ये वेरी स्मॉल स्मॉल चिकन्स। This is not a peacock. Cock, cock. I don't know.
इट्स सो ब्यूटीफुल। इसका मैंने एक बार केरला में पहले भी बनाया था वीडियो। बात हो रही है जी मस्त वाली बाहरी शाम। हमने सोचा कि ना आज ब्रेकफास्ट बाहर किया जाए। वैसे हमारे होम स्टे पे हमें इंडक्शन मिल गया है, कुछ बर्तन मिल गए हैं और हमने थोड़ी ग्रोसरीज भी ले ली हैं। तो हमने सोचा चलो आज मौसम बहुत ही प्यारा है तो कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं। ओके फियाना, ओके ये। और ब्रेकफास्ट के लिए हम आ गए हैं मो पेटी फ्रेरे, विच इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट प्लेस इन कोलवा अकॉर्डिंग टू गूगल रिव्यूज। और इस प्लेस के बारे में जितना सुना और पढ़ा ये उतनी ही अच्छी निकली। द ब्रेकफास्ट वॉज अमेजिंग। तो हम आए हैं एक और बीच जिसे कहते हैं सनसेट बीच। सनसेट का टाइम तो नहीं है लेकिन रास्ते में था तो आ गए। माय गर्ल इज होल्डिंग अम्ब्रेला। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है बट इट्स ओके। वेजिटेशन इस बीच के पास थोड़ी अलग ऐसी। नॉर्मली पाम ट्रीज होते हैं या कोकोनट ट्रीज होते हैं, यहाँ पे ये वाले ट्रीज हैं। आई थिंक पाइन ट्रीज दीज आर कॉल्ड। सुनो ये देखो ये लगे भी हुए हैं छोटे छोटे। तो सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट कराए और थोड़ा सा बीच पे भी घूम आए और अब हम कर रहे हैं अपना ऑफिस वर्क। और थोड़ा सा मौका देखा नहीं कि ये मैडम ने कर लिया है जतिन के लैपटॉप पे कब्जा, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो गया था इसलिए लंच में हम कप नूडल से ही गुजारा कर रहे हैं। अभी करेंगे थोड़ा ऑफिस वर्क और फिर डिनर करेंगे किसी अच्छी सी जगह पर। तो जी ऑफिस से हो गई है छुट्टी और हम चल दिए हैं घूमने। अभी हम देखेंगे एक प्यारा सा टेंपल और उसके बाद जाएंगे डिनर करने के लिए। तो पहुंच गए हैं जी हम डिनर करने के लिए एट मामा मिसो द एशियन रेस्टोरेंट। तो चलिए दिखाते हैं आपको, बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है और बहुत ही मज़ेदार खाना भी होगा होपफुली। बहुत अच्छी थी और खाना भी बहुत टेस्टी था एंड वॉशरूम्स भी बहुत प्यारे थे तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा शूट कर लिया।
एंड दैट वॉज ऑल फॉर दिस व्लॉग. कल फिर मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग कीड़ा.